बरसात के मौसम की पहली तेज बारिश ने ऊना को हिलाकर रख दिया है। हर कहीं बरसात का पानी देर रात से कहर मचा रहा है, लेकिन आपदा प्रबंधन कहीं नजर नहीं आया। भूकंप की कई जगहों पर मॉक ड्रिल करने वाला आपदा प्रबंधन बाढ़ के समय गायब हो गया। मदद के लिए लोग यहां वहां घंटियां घनघनाते रहे, लेकिन घंटों बाद भी उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाई। लोगों को अपनी मदद स्वयं करनी पड़ी। बरसात के मौसम की पहली तेज बारिश ने ऊना को हिलाकर रख दिया है। हर कहीं बरसात का पानी देर रात से कहर मचा रहा है, लेकिन आपदा प्रबंधन कहीं नजर नहीं आया। भूकंप की कई जगहों पर मॉक ड्रिल करने वाला आपदा प्रबंधन बाढ़ के समय गायब हो गया। प्रतीत हुआ कि मदद के लिए लोग यहां वहां घंटियां गनगनाते रहे, लेकिन घंटों बाद भी उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाई। लोगों को अपनी मदद स्वयं करनी पड़ी। आलम यह रहा कि तड़के से तेज बारिश से ऊना के कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए। फ्रेंड कॉलोनी का सबसे अधिक बुरा हाल रहा। रोटरी चौक पर भी कई फुट पानी जमा रहा, जिसके चलते यहां आवाजाही भी प्रभावित रही। वहीं कहीं निचले इलाकों में बसे घरों व दुकानों में भी बरसाती पानी ने घुसकर नुकसान किया। परिवार के लोग आपदा प्रबंधन से संपर्क साधते रहे, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं आई। लोगों के घरों का कीमती सामान पानी में तैरते हुए दिखाई दे रहा है। प्रीज सोफे, बेड बॉक्स और खाने का सामान भी पानी में तैर रहा था। लोगों की माने तो उन्हें खाने के लिए भी अब दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि सारा सामान पानी में खराब हो चुका है। मौके पर कोई भी प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिली। वहीं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कार्यालयों में सहित अन्य सरकारी दफ्तर, मिनी सचिवालय भी बरसात के पानी से भर गया। एसपी कार्यालय सहित एसपी का अपना चैम्बर भी बरसात के पानी से लवरेज हो गया। वहीं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कार्यालयों सहित अन्य सरकारी दफ्तर पानी से लवरेज हो गए। दुकानों व घरों में बरसात के पानी ने खूब कहर मचाया। वहीं एसपी, डीएसपी ऑफिस भी और बाकी सभी कमरे पानी से लबालब हो चुके हैं। पुलिस के लोग पानी निकालने में लगे हुए हैं। कीमती रिकॉर्ड भी काफी मात्रा में खराब हो चुके हैं। फाइल पानी में तैरती हुई दिखाई दे रही है। आज की तेज बारिश ने जिले की हालत खराब कर दी है। फिलहाल पुलिस को कोई भी अधिकारी कैमरे के सामने बोलने से परहेज कर रहा है। पानी बड़े होने के कारण बड़े अधिकारी भी आज एसपी ऑफिस में दिखाई नहीं दे रहे। मंजू जी, बारिश होने के कारण आपके घर में कितना पानी भरा और किस तरह का नुकसान हुआ है? हमारे घर में 4-4 फुट पानी आ गया सुबह 5 बजे। कल भी आया था शाम को, तो अंदर जो भी सारा सामान था, बेड थे सारे पानी में, उसमें नया सामान था सारा, मेरा वो सारा खराब हो गया। फ्रिज में पानी घुस गया, इन्वर्टर और जो भी सारा किचन का सामान था सारा तैर गया, सोफा सारा खराब हो गया, बहुत नुकसान हो गया हमारा। बताएं कि बारिश के कारण किस तरह की दिक्कत आ रही है? अभी क्या है कि सभी घरों में 4-4 फीट पानी भरा हुआ है, जो किचन भी सब बंद है और खाने पीने का कोई अरेंजमेंट नहीं है। कोई प्रशासन का अधिकारी कोई इधर कोई नहीं आया अभी तक। सुबह 4 बजे से बरसात लगी है, अभी 11 बजने आए, अभी तक कोई इधर कोई आया नहीं और पूरे घरों में पानी भरा हुआ है। तो कितना नुकसान हुआ आपका? अभी इनका नुकसान तो यहाँ तो कम से कम 2-3 लाख रुपए का नुकसान हो गया। खाने की गेहूं भी सब भीग गए हैं, सिलेंडर भी पानी के तैर रहे हैं, फ्रिज भी सब है और सोफे वगैरह सब धरे के धरे लगे। सर टोटल सतीश कुमार जी, बारिश के कारण किस तरह का जो दिक्कतें आपको आ रही है? बहुत ज्यादा दिक्कत आई, पानी घरों में घुस गया, बेडों में सारा खराब हो गया सामान सारा। तो कोई अधिकारी यहाँ पर पहुंचा है? कोई अधिकारी नहीं पहुंचा अभी तक। तो कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी? कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आई। तो फिर रहन सहन किस तरह हो रहा है? बहुत मुश्किल आई, बहुत छत पे खड़े।